सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की दो दिन की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ श्रीनगर में स्काउट कॉम्प्लेक्स में 7 और 8 जून को संपन्न हुई। और इस मीटिंग में बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मसले इस समय चल रहे हैं, कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों को लेकर भी और हमारे बैंकिंग उद्योग की नीतियों को लेकर भी, उसको लेकर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है और आगे की रणनीति पर भी हमने विचार किया है। हम ये देख रहे हैं कि एक और जैसे हाँ हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, देश के लोगों की बैंकिंग की ज़रूरत बढ़ रही है, उसके अनुसार देश के बैंकों को जिस तरह से मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है उसके बारे में सरकार की नीतियों में हमको कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ी समस्या जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको प्राइवेट करने के लिए सरकार की नीतियों को लेकर है। IDBI बैंक जो कि एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट संस्था है, जिसको 1964 में इसलिए बनाया गया था कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्योगों के, उसको फाइनेंस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। समय की कसौटी पर उस इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया है और आज हमारी इकोनॉमी जिस दौर पर खड़ी है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की हमको बहुत ज़रूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 10-15 सालों से सरकार धीरे धीरे करके इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और अभी हाल में तो हमें यह मालूम हुआ है कि इसको पूरी तरह से निजी हाथों में सरकार बेच देना चाहती है। अभी इसमें LIC की पूंजी है करीब 47% और सरकार की भी पूंजी है, तो 92% जो कैपिटल है वो किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट सेक्टर की है, जिसको होलसेल सरकार निजी हाथों में बेचना चाहती है। हमको लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम है जिससे इस देश की इकोनॉमी को और जनता को बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। इसी तरह से देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पिछले साल के बजट में 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट करने के बारे में घोषणा की थी, इसको लेकर भी उनका काम चल रहा है। अलग अलग बैंकों के नाम इसको लेकर आते रहते हैं और ये भी एक अच्छा कदम नहीं माना जा सकता। जब से हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से इन बैंकों ने छोटे छोटे इलाकों में आम जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। बैंकों के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, छोटे लोगों के लिए, किसानों के लिए, कामगार आर्टिजन्स के लिए, काटेज और विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत कुछ बैंकों ने काम किया है। एक तरफ तो ये स्थिति है कि कई बैंक ऐसे हैं जो वास्तव में पब्लिक सेक्टर होते हुए भी उनको जानबूझ के प्राइवेट सेक्टर बताया जा रहा है, जैसा कि यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक है जिसमें सरकारी मलकियत है 70% से ऊपर। ये पूरे बैंकर्स कमेटी जो UT की है उसका कन्वीनर है और